हेलो ऑल, आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का रोटोस्कोपी और मास्किंग। तो बेसिकली ये हम लोग कैसे करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास एक फुटेज है। तो बेसिकली रोटोस्कोपी या मास्किंग होता क्या है, हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं रोटोस्कोपी का या मास्किंग का। जैसे यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हैं हम लोग, तो ये वीडियो में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस वीडियो में ये देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोगों का दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एज एग्जांपल ये एक रेडियो एंड एक ग्लास। तो हम लोगों को अगर इस रेडियो को या ये ग्लास को हम लोगों को कट करना है, मतलब वीडियो से निकाल देना है, निकालना मतलब वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब अभी इसके साथ बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, अगर बैकग्राउंड को एंड इसको दोनों को अलग करना है, हम लोगों को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, दूसरे बैकग्राउंड चाहिए, तो हम लोगों को करना है मास्किंग या रोटोस्कोपी। मतलब रोटोस्कोपी का मतलब ये है, हम लोग रोटोस्कोपी करके कोई चीज़ को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड ये इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रोटो करके कोई पर्टिकुलर चीज़ का कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस में, बहुत सारे जगह पे रोटोस्कोपी का या मास्किंग का यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को वीडियो के ऊपर मास्किंग करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रोटोस्कोपी, मतलब क्रिएटिंग मैट फ्रेम बाई फ्रेम। बिकॉज हम लोग अगर देख पा रहे हैं ये 0 से 50 फ्रेम तक है, तो 50 फ्रेम तक हम लोगों को रोटो करना पड़ेगा, या बोल सकते हैं रोटो को हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंसफुल वर्क या टाइम टेकिंग वर्क। तो अब दो टाइप्स ऑफ कर सकते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट का, एक होता है कैरेक्टर का। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट का कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसे कैरेक्टर का करेंगे। हालांकि कैरेक्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट है तो उसमें और टाइम टेकिंग लगता है। एंड अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट एज ए खुद मूव नहीं होता है, यहाँ पे कैमरा का मूवमेंट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैमरा मूवमेंट हम लोगों को शॉट को एनालाइज करके फिर देखना पड़ता है कि कैसे होता है। बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन शॉट। हम लोग कुछ फ्रेम छोड़ के कर सकते हैं, हम लोग कुछ ट्रैक मैट को ट्रैक करके, मतलब ट्रैक का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पैसे फर्स्ट फ्रेम को मास्क करेंगे। तो फर्स्ट कोई भी अगर रोटो करते हैं हम लोग, तो पहले तो मास्क करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट फ्रेम को हम लोगों को एज ए मास्क क्रिएट करना पड़ता है। सपोज़ मैं इस रेडियो को अगर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो सपोज़ मैं अगर इस पार्ट को रोटो करूँगा तो कैसे करूँगा। एंड रोटो का प्रोसेस ये है कि पार्ट बाय पार्ट करना बेसिकली। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट है तो मैं एक शेप में मैं कंप्लीट करता हूँ। बेसिकली जब हम लोग आएंगे कैरेक्टर में, तब हम लोग देखेंगे कैसे पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसको कर सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ अ फर्स्ट फ्रेम, ये फर्स्ट फ्रेम है। रोटो कोई भी फ्रेम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिस फ्रेम पे प्रॉपरली जो ऑब्जेक्ट है या जो कैरेक्टर है जिसको हम लोग रोटो कर रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए। तो 0 फ्रेम पे ये प्रॉपर विजिबल है एज इट इज़, ये प्रॉपर इसका प्रॉपर पार्ट दिख रहा है। सो हम लोग जूम करते हैं एंड मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेयर को यहाँ से पेन टूल मिल जाता है। सो पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको जूम करते हैं एंड फुल स्क्रीन करता हूं मैं। फुल स्क्रीन करने के बाद एस्केप का नीचे वाला जो बटन होता है वो फुल स्क्रीन का होता है। नाउ मैं यहां पे जस्ट इसको क्लिक करता हूं एंड क्लिक ड्रैग। यहां पे जो टेंजेंट आ रहा है, यहां पे यू कैन सी, देख सकते हैं यहां पे एक टेंजेंट आ रहा है। तो जूम करके मैं इसका प्रॉपर एक हार्ड एज पकड़ के इसको हम लोगों ने, मैं यहाँ तक ले रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को कि मास्किंग या रोटोस्कोपी कैसे होता है। तो जैसे ही यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे अगेन मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक किया वी कैन सी ऑटोमेटिकली ये कट हो गया। तो अगेन मैं छोटा स्क्रीन पे आया, स्मॉल स्क्रीन पे उसी बटन में क्लिक करके ये सीखा नीचे वाला बटन। नाउ सिलेक्ट द ट्रैक, सॉरी फुटेज, फुटेज को सिलेक्ट करने के बाद एम अगर मैं प्रेस करूंगा एम, तो यहाँ पे मास्क पाथ आएगा, मतलब उसका सेटिंग आएगा। तो मैं ये मास्क को सिलेक्ट करूंगा एंड हम लोग देख पा रहे हैं मास्क को यहाँ पे ऐड है,
ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो जाता है, जैसे नन ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, डार्क एंड लाइट एंड डिफरेंस। तो बेसिकली नन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ये जो तीन होता है, ये तीन ही बेसिकली हम लोगों को काम पे आता है। अगर मैं नन करूँगा तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो नन करने के बाद यहाँ पे आता है जो ओरिजिनल फुटेज है वो। तो अगर ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद ये कट हो जाता है, ओनली जितना पार्ट मैंने मास्क किया वही पार्ट दिखता है। अगर सब्सट्रैक्ट करूँगा तो जो पार्ट मैंने मास्क किया वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है बोल सकते हैं। तो लेट्स हम लोगों को नन पे जाना है, एंड जैसे ही हम लोग नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, लेट्स जूम करते हैं एंड नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, तो सी ये यहाँ से हट रहा है, ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं है सी। तो हम लोगों को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये जो शेप है इसको मेंटेन करना पड़ेगा जितना जितना फ्रेम है, मतलब टिल द लास्ट फ्रेम। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट शुरू में ही मास्क वन, जो मैंने मास्क वन ये किया है, इसका अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग इसका कोई भी कलर देख सकते हैं, लाइक ग्रीन। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। सो नाउ इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए वाइट कलर। नाउ अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कलर है, सपोज इसको हम लोग करते हैं दिस। नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, मास्क में जाएंगे, मास्क पाथ में आएंगे एंड फर्स्ट फ्रेम, मतलब जिस फ्रेम से हम लोग रोटो स्टार्ट कर रहे हैं उस फ्रेम पे की कर देंगे। तो क्या होगा, नेक्स्ट फ्रेम पे जाके या इस आगे फ्रेम पे जाके अगर कोई भी हम लोग इसको चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली की जनरेट हो जाएगा। मैंडेटरी चीज़ ये है कि मास्क करने के बाद, रोटो करने के बाद फर्स्ट फ्रेम ऑलवेज मास्क पाथ में हम लोगों की को ऑन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखना है मोशन या मूवमेंट कैसे है फुटेज का। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं ना, इसका फुटेज का मूवमेंट लीनियर है, मतलब एक ही तरफ ये मोशन जा रहा है। तो हम लोगों को वैसे मैंडेटरी नहीं है कि ईच एंड जीरो फ्रेम पे किया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा पेज डाउन प्रेस करके कीबोर्ड का तो यहाँ पे भी की देना पड़ेगा, यहाँ पे भी की देना पड़ेगा, वैसे नहीं है कि ईच एंड एवरी फ्रेम पे की देना पड़ेगा। ये डिपेंड करते हैं फुटेज का मोशन कैसा है। तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि जीरो फ्रेम पे मैंने की प्रेस किया, देन अगेन मैं टेंथ फ्रेम पे जाऊँगा, टेंथ फ्रेम पे जाके मैं इसको एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट कैसे करोगे, जस्ट अगेन जूम करना है फुल स्क्रीन एंड मूव टूल सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करता हूँ कोई भी पॉइंट में। सो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट हो गया। नाउ इसको शिफ्ट प्लस एरो बटन, लेफ्ट एरो से लेफ्ट होगा, राइट एरो से राइट, अप एरो से ऊपर जाएगा, डाउन एरो से नीचे। सो मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ ताकि ये क्विकली मूव होगा। विदाउट शिफ्ट प्रेस के अगर करोगे तो एक एक पिक्सल मूव होगा। तो मैं शिफ्ट पकड़ के ऐसे करके एडजस्ट कर दिया, सी एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, बंच ऑफ पॉइंट, ये दो तीन ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करूँगा एंड देन साइड में करूँगा। सी यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि एडजस्ट करना है तो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ऊपर का थोड़ा एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर दिया। तो अब क्या दिख रहा है हम लोगों को कि मैं एक फ्रेम, सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली की जनरेट हुआ है, एक जीरो एंड टेन, बीच का कोई भी फ्रेम पे मैंने की नहीं लगाया। अब देखते हैं सी, ये ऑलमोस्ट मैच कर दिया है हम लोगों को जीरो पे एंड टेन पे। देखो उतना बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं आ रहा है, मतलब जीरो एंड टेंथ, देन टेंथ के बाद मैं जाऊँगा 20 में, सेम थिंग 20 में भी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, जूम करूँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके जो लेफ्ट एरो बटन होता है उसको मैं क्लिक करके मूव करूँगा एंड इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट करता रहूँगा। सी देखो ये हो चुका है ऑलमोस्ट। नाउ छोटा करता हूँ एंड ऑलवेज रोटो करने के बाद बैक चेक करना है पीछे में क्या हो रहा है। इतना सी यहाँ तक तो एटलीस्ट ठीक है। तो आपको तो ये समझ में आ चुका है कि अगर हम लोगों का मोशन लीनियर है, मतलब सेम टाइप का मोशन है, तो हम लोगों को कोई ज़रूरी वैसे नहीं है कि ईच एंड एवरी फ्रेम पे की देना पड़ता। तो ये पड़ेगा जब हम लोगों का कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन आएगा ना, तब ये जरूरी ऑब्वियसली पड़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग 20 से फिर 30, 30 से फिर 40, ऐसे कर मतलब 10 फ्रेम या 8 फ्रेम गैप दे दे के हम लोग देख सकते हैं।
ये तो हम लोगों का एक प्रोसेस हो गया कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और एक प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, सो लेट्स हम लोग ये दो जो की है ना इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे तीन की है, मैं ये दो की को डिलीट करता हूँ, पहले की को रखता हूँ। एंड और एक क्या प्रोसेस है, जस्ट एक फ्रेम हम लोगों को मतलब जो फर्स्ट फ्रेम है वो हम लोगों ने रोटो किया, देन हम लोग इसमें क्लिक किया एरो में, तो यहाँ पे मास्क का डिटेल आ चुका है, सीधा मास्क पार्ट में मैंने क्लिक कर दिया है। अब अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली मोशन सेम है, यू कैन सी मोशन सेम है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, ये जो मास्क है ना, जो ये मास्क का जो पाथ है या जो मास्क है, इसको हम लोग ट्रैक कर देंगे। अगर ट्रैक कर देंगे तो क्या होगा, मतलब इसका जो मोशन है ये मोशन के साथ एकदम एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। बट ये सब जगह पे पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल होगा अगर मोशन ऐसा है तो, लीनियर मोशन है तो, अगर मोशन रनिंग मोशन है या जंपिंग है तो उस टाइम पे अच्छा काम ये नहीं करेगा। तो लेट्स व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट फ्रेम रोटो किया, उसके बाद की कर दिया मास्क पाथ में, आफ्टर दैट मास्क वन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रैक मास्क, मास्क को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रैक मास्क, जैसे हम लोगों ने ट्रैक मास्क करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे एक ट्रैकर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एनालाइज बटन आएगा। ये एक एक फ्रेम बैक होगा, ये अगर हम लोग लास्ट फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो लास्ट टू फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट टू लास्ट है और ये एक एक फ्रेम जाएगा। एंड यहाँ पे मेथड है, हम लोग कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे पोजीशन स्केल एंड रोटेशन, मतलब डिपेंड्स अपॉन द फुटेज, फुटेज का मोशन कैसा है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्केल एंड रोटेशन से आ रहा है, अगर आपका फुटेज में ओनली पोजीशन है तो पोजीशन यू कैन सिलेक्ट, या पोजीशन एंड रोटेशन है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन स्केल रोटेशन के साथ स्क्यू है तो ये, एंड अगर ट्रैकिंग का मामला आता है फेस में तो हम लोग ये यूज़ करेंगे जो इन फ्यूचर में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, पोजीशन स्केल रोटेशन एज इट इज़ नॉर्मल रखता हूँ। किसको ट्रैक करना है, मास्क वन को, सी द मास्क वन को ट्रैक करना है बस। अब हम लोग क्लिक करेंगे जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक एक फ्रेम जाएगा, मतलब सिंगल फ्रेम, सपोज दिस इज जीरो फ्रेम, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सी द नेक्स्ट फ्रेम की हो गया, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ट्रैक होके उसके साथ जा रहा है, सी जा रहा है एक एक फ्रेम, मैं क्लिक कर रहा हूँ एक फ्रेम जा रहा है, क्लिक कर रहा हूँ एक फ्रेम जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लिक, तो ये सी ऑटोमेटिकली जा रहा है, मैं क्लिक करके छोड़ दिया एंड ये ऑटोमेटिकली की लग गया यहाँ से यहाँ तक। नाउ अगर हम लोग बैक करके देखेंगे, सी परफेक्टली जो मेरा ये शेप है इसके साथ ट्रैक हो चुका है। सो ऐसे करके हम लोग इजीली, अगर मोशन लीनियर टाइप है, सेम टाइप ऑफ मोशन है, तो हम लोग ऐसे करके इसको रोटोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये मास्क पाथ में नन से कर देंगे ऐड, जैसे हम लोग ऐड करेंगे एंड देखेंगे तो ये यू कैन सी प्रॉपरली वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है या बैकग्राउंड दूसरे डालना है, यू कैन टेक एनी इमेज, इमेज लेके आके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक न्यू सॉलिड करके आप कोई भी यहाँ पे ग्रे बीजी, लेट्स आई एम एडिंग, मैं ग्रे बीजी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, नीचे कर सकते हैं। सो जी जितना पार्ट हम लोगों ने कट किया उतना पार्ट ईजिली यहाँ पे आ चुका है। अगर एज को सॉफ्ट करना है, यहाँ पे एज इज़ वेरी हार्ड, सॉफ्ट करना है तो यहाँ पे अगेन मास्क में जाने के बाद मास्क फेदर का ऑप्शन होता है, हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जीरो है सी, अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा लाइक 5 or 6 एंड बाहर में क्लिक करूँगा एक बार एंड देखूँगा सी ये सॉफ्ट हो रहा है, अगर जीरो करेंगे अगेन तो ये हार्ड हो गया। तो मास्क डिपेंड्स अपॉन आपको क्या चाहिए, मास्क फेदर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मास्क ओपेसिटी क्या है, मास्क ओपेसिटी बेसिकली विजिबिलिटी है, ये जो पार्ट है इसको आपको अगर हाइड कर देना, मतलब ट्रांसपेरेंट रखना है वैसे करना है, तो आप इजीली जीरो मतलब टोटली चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। आफ्टर दैट फिर आता है यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन। मास्क एक्सपेंशन क्या होता है, मास्क एक्सपेंशन अगर हम लोग ये जो जीरो पिक्सल है इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है,
जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है, बट एक ही रिमेंबर मास्क लेकिन मेरा यहाँ पे है, जस्ट उसके पीछे से मास्क एक्सपेंड हो रहा है, मतलब उसका पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो रहा है। तो लेट इट बी ज़ीरो, जो नॉर्मल होता है मैं वही कर दूंगा यहाँ पे, एंड सी प्ले करो। यहाँ पे इजीली यहाँ पे ये रोटोस्कोपी हो गया है बाय यूजिंग ट्रैक मैट, ट्रैक करके। सो मैट को ट्रैक करके या मास्क को ट्रैक करके, तो एक तो प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हो, अलग से प्रोसेस जो है वो आप कुछ फ्रेम गैप दे दे के कर सकते हो, लाइक 10th फ्रेम थोड़ा सा गैप दे के, 8th फ्रेम, डिपेंडिंग अपॉन द फुटेज का मूवमेंट या मोशन कैसा है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जो पूरा सीरीज चल रहा है VFX का, अगर ये सब अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड शेयर करो वीडियो को सबके साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो को देख पाए, जिसको ज़रूरी है वो भी ये वीडियो उसके देखे उसका तक पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।